हेलो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी वीडियोस सोशियोलॉजी के ऊपर बनाई हैं, बहुत सारे लेक्चर्स सोशियोलॉजी के ऊपर दिए हैं और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, दैट इज़ सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है, इसका नेचर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जो टर्म सोशियोलॉजी है वो लैटिन टर्म सोसाइटस एंड ग्रीक टर्म लोगोस से मिलकर बना है, और इन दोनों टर्म को इकट्ठा करने के बाद हमें पता चलता है कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। बेसिकली व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी और साइंस ऑफ। देखो, सोशियोलॉजी क्या होती है? सोशियोलॉजी इज़ बेसिकली अ स्टडी और साइंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की स्टडी करना ही सोशियोलॉजी कहलाता है, समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोसाइटी होती क्या है। सोसाइटी होती क्या है? हम सभी लोग, हम सभी इंडिविजुअल्स सोसाइटी में ही रहते हैं, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। वी कांट लिव इन आइसोलेशन, वी लिव इन सोसाइटी। We all people depends upon each other for various demands, various needs. We all people depend upon each other. Students, if we all depend upon each other and society में हम लोग रहते हैं और सोशोलॉजी जो है वो सोसाइटी की स्टडी करता है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सोसाइटी चीज़ क्या है, सोसाइटी होती क्या है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो जो टर्म सोसाइटी है दिस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म सोसाइटस। जो टर्म सोसाइटी है दिस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म सोसाइटस। जो टर्म सोसाइटी है दिस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म सोसाइटस, विच मीन्स फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप, जिसका मतलब फ्रेंडशिप होता है या कंपेनियनशिप। देखो, मैंने क्या बोला आपको, जो टर्म सोसाइटी है ये लैटिन टर्म सोसाइटस से ली गई है, जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप या कंपेनियनशिप। तो हम लोग सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी इज़ बेसिकली कलेक्शन of individual who come together for with a feeling of friend शिप। देखो, मैंने क्या बोला आपको, जो टर्म सोसाइटी है वो लैटिन टर्म सोसाइटस से ली गई है, जिसका मतलब होता है फ्रेंडशिप या कंपेनियनशिप। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को इकट्ठा, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो सोसाइटी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का समूह जो आपस में एक फ्रेंडशिप की तरह हैं, जिनमें आपस में फ्रेंडशिप की भावना है, कंपेनियनशिप की भावना है, एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, आपस में अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ वो रहते हैं, ये होती है सोसाइटी। स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स बहुत अच्छी तरह सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। स्कॉलर्स क्या मानते हैं, मैं आपको बताऊँ, स्कॉलर्स ये मानते हैं कि सोसाइटी तभी बनेगी
स्कॉलर्स ये मानते हैं कि सोसाइटी तभी बनेगी जब दो इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे को जानने लग पड़ेंगे, उसमें इंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी लोगों में, उनमें एक दूसरे को जानने के बाद इंट्रैक्शन और एक दूसरे से बातचीत करना वो शुरू कर देंगे, तो सोसाइटी एग्जिस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ सम पर्सन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दे आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, दे आर ट्रैवलिंग इन द बस, कुछ लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो सभी एक दूसरे को नहीं जानते, तो वो सोसाइटी उनके बीच एग्जिस्ट नहीं होगी, सोसाइटी उनके बीच एग्जिस्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करना शुरू करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करेंगे, एक दूसरे से बोलना शुरू करेंगे, आपस में एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे कलेक्टिवली, तो उनके बीच सोसाइटी बन जाएगी। सम स्कॉलर सेज दैट व्हेन सम पर्सन्स आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन इन द बस देर इज़ नो सोसाइटी, इवन दो देर इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, इवन दो दीज ऑल आर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, वो सभी लोगों का समूह है, लेकिन वो सोसाइटी नहीं मानी जाएगी। सोसाइटी कब बन जाएगी, वो लोगों का समूह कब सोसाइटी बन जाएगा, जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के साथ बोलना शुरू कर देंगे, अपने आइडिया शेयर करना शुरू कर देंगे, तो सोसाइटी बन जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा सोसाइटी क्या होती है। मैंने आपको पहले बताया कि जो सोशियोलॉजी है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो सबसे पहले सोसाइटी का मतलब हमें पता होना चाहिए, सोसाइटी होती क्या है। मैंने आपको बताया कि जो टर्म सोसाइटी है वो लैटिन टर्म से ली गई है, लैटिन टर्म सोसाइटस से ली गई है, और सोसाइटस का मतलब होता है कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप। तो जब लोग आपस में इकट्ठे होकर एक फ्रेंडशिप की भावना से इकट्ठे रहते हैं तो वो उनकी सोसाइटी बोली जाती है। जब वो इकट्ठे होकर रहते हैं आपस में एक दूसरे की नीड्स को पूरा करने के लिए, तो वो सोसाइटी बन जाती है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, इंडियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सोसाइटी के। तो ये हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, अब अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ कि सोसाइटी की डेफिनेशंस क्या है, स्कॉलर्स ने क्या क्या बोला है सोसाइटी के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको एडम स्मिथ की डेफिनेशन बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, अर्थशास्त्र के जनक भी इनको बोला जाता है। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन जो दी है सोसाइटी की, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेट करने की इन्होंने कोशिश की है। क्या बोलते हैं एडम स्मिथ, आइए जानते हैं। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि सोसाइटी इज़ एन आर्टिफिशियल डिवाइस ऑफ नेचुरल इकोनॉमी। क्या बोला है स्मिथ जी ने कि जो सोसाइटी है वो नेचुरल इकोनॉमी की एक आर्टिफिशियल डिवाइस है। स्मिथ क्या बोलते हैं कि सोसाइटी जो है वो नेचुरल इकोनॉमी की एक आर्टिफिशियल डिवाइस है। सोसाइटी नेचुरल नहीं है, सोसाइटी आर्टिफिशियल डिवाइस है एक नेचुरल इकोनॉमी की। एक नेचुरल इकोनॉमी की जो इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, उन नेचुरल सोसाइटी नेचुरल इकोनॉमी की एक आर्टिफिशियल डिवाइस किसको माना जाता है, सोसाइटी को माना जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार सोसाइटी ये होती है, इनका बोलना ये है। जो व्राइट हैं, जो हमारे व्राइट हैं, वो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू व्राइट ये क्या बोलते हैं, सोसाइटी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, वट इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। क्या बोलते हैं कि सोसाइटी जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है, लेकिन ये लोगों का समूह तो है, बट एक रिलेशनशिप के साथ, ये लोगों के बीच पाई जाने वाली रिलेशनशिप है। इन्होंने रिलेशनशिप को मेन फोकस किया, रिलेशनशिप को मेन इंपॉर्टेंस दी। मैंने आपको ट्रेन का जो एग्जांपल दिया था कि 10 बंदे एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, तो वो सोसाइटी नहीं होगी। वहाँ पे लोगों का समूह तो है, 10 लोग तो हैं, लोगों का समूह तो है, पर वो सोसाइटी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं, उनमें कोई इंट्रैक्शन नहीं है, उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ब्राइट उसी कंसेप्ट को आगे लेकर आते हैं कि जो सोसाइटी है इट इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये लोगों का समूह नहीं है, बट इट्स अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, ये एक संबंधों का सिस्टम है जो लोगों के बीच एग्जिस्ट करते हैं। उन लोगों के बीच जो संबंध हैं, जो रिलेशनशिप है, उसका समूह है, ना कि लोगों का समूह है।
ये हमारे व्राइट जी बोल देते हैं। दो डेफिनेशन हमने पढ़ी, एक एडम स्मिथ की पढ़ी, दूसरी व्राइट की पढ़ी। एडम स्मिथ बोलते हैं कि इट इज़ एन आर्टिफिशियल डिवाइस ऑफ नेचुरल इकोनॉमी, और व्राइट के बोलते हैं इट इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल बट इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पीपल। तो ये डेफिनेशंस दो स्कॉलर्स ने दिए जो हमने स्टडी करी। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन, मीनिंग डेफिनेशंस पढ़ने के बाद अब मैं डिस्कस करूँगा अबाउट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी, अबाउट द फीचर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं, सोसाइटी के लिए मेन मेन चीज़ें क्या हैं, इसकी मेन मेन इसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली जो फीचर है सोसाइटी की महत्वपूर्ण, वो है एक डेफिनेट टेरिटरी। डेफिनेट टेरिटरी, दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ अ सोसाइटी। एक सोसाइटी बनने के लिए, सोसाइटी एग्जिस्ट में आए उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक हमें डेफिनेट टेरिटरी चाहिए, डेफिनेट लैंड चाहिए, डेफिनेट भू भाग चाहिए। हमें एक डेफिनेट लैंड चाहिए, टेरिटरी चाहिए हमें, जहाँ पे लोग रहेंगे। तो सोसाइटी सबसे पहली फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ सोसाइटी हैज़ इज़ दैट देयर मस्ट बी लैंड, देयर मस्ट बी अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर bringing the society into existence. If there will be no land, no territory, no society can exist, because the people of society will definitely occupy a certain area, will definitely occupy a particular area, and that area is a definite territory. तो इंडियन सोसाइटी हो या अमेरिकन सोसाइटी हो या एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो या अर्बन सोसाइटी हो, चाहे जो मर्जी सोसाइटी हो, पर वो रहती कहाँ पे हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे लोग रहते हैं, तब सोसाइटी बनती है। तो फर्स्ट जो इसेंशियल एलिमेंट है वो है एक डेफिनेट टेरिटरी हमारे पास होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, जब डेफिनेट टेरिटरी हमारे पास आ जाती है तो दूसरी जो इसेंशियल फीचर बनती है सोसाइटी को बनाने के लिए, वो बनती है पीपल, वो बनते हैं लोग। दैट इज़ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। That is second very very essential characteristic कि हमारी जो society है, अगर हमने उसको बनाना है तो हमें individuals चाहिए, लोग चाहिए। बिना लोगों के society नहीं बनेगी। एक proper territory तो है, पर उस territory पे रहने वाले लोग ही नहीं हैं तो society कहाँ बन जाएगी। बहुत सारे ऐसे area होंगे जो खाली पड़े हैं, वहाँ पे land है, लंबे लंबे बहुत area हैं, काफ़ी एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पे लोग नहीं रहते, तो वो सोसाइटी नहीं मानी जाएगी। अकेली लैंड कभी सोसाइटी नहीं बना सकती। अगर लैंड आपके पास है तो उस पे रहने वाले हमें लोग भी चाहिए, हमें उस पे रहने वाले पीपल भी चाहिए, पॉपुलेशन भी चाहिए। दूसरी जो फीचर बनती है मेन सोसाइटी की, वो बनती है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। सोसाइटी इज़ वाट, इट्स कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। लोगों का समूह है, पीपल्स का समूह है, इंडिविजुअल का समूह है। तो दिस इज सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोसाइटी। देखो स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ा डेफिनेट टेरिटरी, फिर हमने पढ़ा उसके ऊपर रहने वाले लोग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आई होप आपको समझ आई होंगी। तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी हैज़ इट्स ओन रूल्स, सोसाइटी हैज़ इट्स ओन नॉर्म्स या लॉज या रूल्स। देखो सोसाइटी की एक बहुत इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है कि सोसाइटी के अपने अपने रूल्स होते हैं। हर एक सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं। इंडियन सोसाइटी के अपने रूल्स होंगे, अमेरिकन सोसाइटी के अपने रूल्स होंगे, अफ्रीकन सोसाइटी के अपने लॉज होंगे। तो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो अर्बन हो, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो एग्रेरियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उन सभी के अपने अपने रूल्स होंगे, अपने अपने रेगुलेशंस होंगे। क्यों होंगे? ताकि जो लोग हैं उनके ऊपर चेक बनाया जा सके, लोगों को कंट्रोल किया जा सके, कोई गलत काम ना करे। डेफिनेट टेरिटरी हमारे पास हो गई, डेफिनेट टेरिटरी हमारे पास हो गई, उसके ऊपर लोग रहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि वो हर किसी को मार रहे हैं, आपस में जो करना चाहें वो कर रहे हैं। माइट इज़ राइट प्रिंसिपल फॉलो
फॉलो कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर वो दूसरे को मार रहा है, ऐसी सोसाइटी सोसाइटी नहीं बन पाएगी ढंग से, एक पीसफुल सोसाइटी नहीं बन पाएगी। तो सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सोसाइटी अपने रूल्स बनाती है ताकि लोग पीसफुली रह सकें, आराम से रह सकें। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी कि एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन रूल्स रेगुलेशंस। इसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप लिख सकते हो वो आप ये लिख सकते हो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्टूडेंट्स अगर आपको पता नहीं है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, तो मैंने अपने इसी चैनल पे वीडियोस बनाई हैं, वहाँ जाके देखें, अच्छे से समझें क्या होता है कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्या होता है सोशल नॉर्म्स, अच्छे से बताया है मैंने। अदरवाइज़ मैं सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सोसाइटी में डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, सोशल समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन में डिवीज़न। जो सोसाइटी में डिवीज़न पाया जाता है उसको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। जैसे रिलीजन के बेस पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में डिवीज़न है, कास्ट के बेस पे एससी एसटी ओबीसी के जनरल ईडब्ल्यूएस इस बेस पर डिवीज़न है, इकोनॉमी के बेस पे ये रिच है ये मिडिल है ये पुअर है इसके बेस पर डिवीज़न है, मेल फीमेल के बेस पर डिवीज़न है, ये पढ़ा लिखा है ये अनपढ़ है इस बेस पे डिवीज़न है, लिटरेट इलिटरेट जिसे आप बोलते हो। तो सोसाइटी में डिवीज़न पाया जाता है, स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है, ये बहुत लैंडमार्क फीचर है सोसाइटी की। जहाँ भी सोसाइटी होगी, जहाँ भी सोसाइटी होगी आपको उस सोसाइटी में डिवीज़न मिलेगा ही मिलेगा, उसमें जो पार्टीशन है लोगों के बीच वो मिलेगा ही मिलेगा। किसी सोसाइटी में सेक्स के बेस पे डिवीज़न हो सकता है, किसी सोसाइटी में लिटरेसी के बेस पे डिवीज़न हो सकता है, किसी सोसाइटी में बहुत से बेसिस हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रैटिफिकेशन की वीडियो में सब कुछ बताया है, वहाँ देखें, आप जरूर देखें इसका ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए। बाकी आप अभी तक ये समझ लो कि इट इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ द सोसाइटी दैट एवरी सोसाइटी देर इज़ अ इन एवरी सोसाइटी देर इज़ अ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स डिवीज़न, इट मीन्स पार्टीशन। द सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन वेरियस फेसिस। इन द सोसाइटी सम पीपल कैन बी लिटरेट, सम कैन बी इलिटरेट। इन सोसाइटी सम कैन बी मेल, सम कैन बी फीमेल। इन द सोसाइटी सम कैन बी हिंदू, सम मुस्लिम, सम क्रिश्चन, सम कैन बी पारसीज। दिस इज द डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, दिस इज द वेरी वेरी फंडामेंटल फीचर ऑफ द सोसाइटी। तो चार फीचर्स हमने पढ़ ली, पांचवी फीचर्स आप ये लिख सकते हो, पांचवी फीचर्स आप ये लिख सकते हो, कल्चर। देखो चाहे कोई भी सोसाइटी हो, चाहे इंडियन हो चाहे अमेरिकन हो चाहे कोई भी सोसाइटी हो, कल्चर इज़ फंडामेंटल फीचर। कल्चर हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो चाहे वो अमेरिकन सोसाइटी हो चाहे वो अफ्रीकन सोसाइटी हो चाहे कोई मर्जी सोसाइटी हो, हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर होता ही होता है। किसी सोसाइटी का कल्चर क्या होगा वो उस सोसाइटी के अपने थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वेस्टर्न का कल्चर अलग है, इंडियन का कल्चर अलग है। इंडिया के लोग नैरो माइंडेड माने जाते हैं, लड़कियां जीन्स नहीं डाल सकती ये सोचा जाता है, ये इंडिया का कल्चर है। साड़ी पहने महिलाएं, पजामा कुर्ता पहने पुरुष, ये इंडिया का कल्चर है ये सोचा जाता है। लेकिन अमेरिका में लड़कियां जीन्स पहन सकती हैं, टॉप लगा सकती हैं, ये उनका कल्चर है जो हम अभी फॉलो भी कर रहे हैं। तो हर एक सोसाइटी का एक अपना कल्चर होता है, हर एक सोसाइटी का अपना एक कस्टम्स होते हैं, अपना कल्चर होता है, रिचुअल्स होते हैं। तो दिस इज़ वेरी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी। आप लिख सकते हो कल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोसाइटी। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर। कल्चर डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी विल हैव डिफरेंट कल्चर फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटी। रूरल सोसाइटी विल हैव डिफरेंट कल्चर फ्रॉम अर्बन सोसाइटी। देर आर नंबर ऑफ कल्चर्स एंड नंबर ऑफ सोसाइटीज आर देयर। तो ये आप सब कुछ इसमें लिख सकते हो। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, छठा पॉइंट आप लिख सकते हो, आप सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट। सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट, सोसाइटी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट है।
मैंने आपको पहले ही बताया था सोशियोलॉजी का नेचर मैंने पढ़ाया था आपको, फर्स्ट लेक्चर मेरा सोशियोलॉजी के लेक्चर सीरीज में फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हो। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आइडियाज़ थॉट्स। देखो जो हमारी सोसाइटी है वो एक अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, वो एक अब्स्ट्रैक्ट हमारा आइडियाज़ है, हमारी थॉट है, हमारी इमोशंस है। सोसाइटी कोई कंक्रीट कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं इस डस्टर की बात करूं तो ये कंक्रीट है, इसको टच किया जा सकता है, ये कंक्रीट है। अगर मैं इसकी बात करूं बोर्ड की तो ये कंक्रीट है, इसको टच किया जा सकता है। मुझे पता है ये बोर्ड है, मुझे पता है ये डस्टर है, मुझे पता है ये चोक है, क्योंकि ये कंक्रीट चीज़ें हैं जिसको टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम फिजिकली ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सोसाइटी क्या कहीं फिजिकली एग्जिस्ट करती है? ये तो हमारे आइडिया में ही है ना, ये इंडियन सोसाइटी है, ये अमेरिकन सोसाइटी है। क्या आप जाकर कहीं टच करके बोल सकते हो ये सोसाइटी है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इज़ अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब समथिंग विच इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस इन इट्स फिजिकल फॉर्म, विच इज़ नॉट रियली इन एग्जिस्टेंस। इट मीन्स दैट थिंग विच एग्जिस्ट इन आर थॉट्स, इन आर माइंड, इन आर बिलीफ, बट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। दैट इज अब्स्ट्रैक्ट, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट। इट इज़ ऑपोजिट ऑफ कंक्रीट, ये कंक्रीट का उल्टा है। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट मतलब समथिंग इन सॉलिड फॉर्म, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। लेकिन सोसाइटी ऐसा नहीं है, सोसाइटी को टच नहीं कर सकते, सोसाइटी को छू नहीं कर सकते, हम सोसाइटी को सोच सकते हैं। ये इंडियन सोसाइटी है, ये अमेरिकन सोसाइटी है, कहीं बनी नहीं हुई है जिसको जाके टच कर लेंगे, नो। तो दिस इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, सेवन्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, सोशल इंट्रैक्शन। सोशल इंट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी में सोशल इंट्रैक्शन होती है। एग्जाम्पल मैंने शुरू में भी दिया था, पांच पर्सन इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, एक दूसरे को जानते नहीं, तो उनके बीच सोसाइटी नहीं बनेगी। उनके बीच सोसाइटी तभी बनेगी जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करना मतलब एक दूसरे के साथ बात करना, कम्युनिकेट करना, अपने आइडिया शेयर करना। तो सोशल इंटरेक्शन इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ऑफ सोसाइटी रैदर। इन एवरी सोसाइटी देयर एग्जिस्ट सोशल इंटरेक्शन अमंग द पीपल ऑफ सोसाइटी, अमंग द मेम्बर ऑफ सोसाइटी। देखो सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, बट द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बिकम सोसाइटी ओनली व्हेन देयर विल बी सोशल इंटरेक्शन अमंग दैट इंडिविजुअल्स। लोगों का समूह सोसाइटी कहलाता है, लोगों का समूह सोसाइटी कहलाता है, पर वो सोसाइटी तभी कहलाएगा जब उन लोगों के बीच आपस में इंटरेक्शन भी होगी। अगर लोगों के बीच इंटरेक्शन नहीं हुई तो सोसाइटी नहीं बन सकती। जब तक वो एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो सोसाइटी नहीं बन सकती। दिस इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट फीचर ऑफ सोसाइटी, दैट इन एवरी सोसाइटी देयर इज सोशल इंट्रैक्शन, देयर इज सोशल इंट्रैक्शन। आगे आप एक और फीचर लिख सकते हो सोसाइटी की, दैट इज सोशल कंट्रोल, दैट इज सोशल कंट्रोल। देखो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें सोसाइटी रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके, ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके। अगर सोसाइटी रूल रेगुलेशन नहीं बनाएगी तो लोग हर कुछ करेंगे, जो मनाएगा वो करेंगे, और सोसाइटी के अनुसार काम नहीं करेंगे, सोसाइटी पीसफुल सोसाइटी नहीं बन जाएगी। तो वट इज़ सोशल कंट्रोल? सोशल कंट्रोल इज़ बेसिकली अ कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर इट्स इंडिविजुअल, इट इज़ अ कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर इट्स इंडिविजुअल्स। सोसाइटी डू मैनी थिंग्स लाइक मेक लॉज, इस्टेब्लिश कस्टम फॉर कंट्रोलिंग द पीपल। सोसाइटी लॉ बनाती है, कस्टम बनाती है, कल्चर बनाती है, ताकि लोगों पर कंट्रोल किया जा सके। लो बनाकर पनिशमेंट देने का प्रावधान करती है, ताकि लोगों पे कंट्रोल किया जा सके, सोसाइटी में लोग पीसफुली रह सकें। कस्टम ले आती है कि भाई आपके कस्टम है, आपने पेरेंट्स की सेवा करनी है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, छोटों की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, छोटों से प्यार करना है, कस्टम है हमारे, हम फॉलो करते हैं, और इन्हीं कस्टम से हम सोशल
कंट्रोल हमारे ऊपर होता है, हम कंट्रोल में रहते हैं, हम गलत काम नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हमारा कस्टम ये बोलता है कि हमें गलत नहीं करना है। तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी सोशल कंट्रोल करती है अपने इंडिविजुअल्स के ऊपर। अगर एक और फीचर में बात बताऊँ आपको, अगर एक और फीचर बताऊँ तो बता सकता हूँ डायनामिक। सोसाइटी डायनामिक क्या है? डायनामिक मीन्स चेंजेबल, सोसाइटी डायनामिक है, सोसाइटी एक चेंजेबल कंसेप्ट है। सोसाइटी हमेशा स्टैटिक नहीं रहती, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक, सोसाइटी इज नॉट अ स्टैटिक, सोसाइटी स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब जो चेंज होती है, सोसाइटी कभी स्थिर नहीं रह सकती, ये चेंज होती रहती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। अब आप देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ उससे पहले इंडियन सोसाइटी कुछ और तरह से थी, अब इंडियन सोसाइटी कुछ और तरह से है, आगे फ्यूचर में इंडियन सोसाइटी कुछ और तरह से होगी। अभी कोविड चला हुआ है, सभी लोग घर में पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, क्या पहले ऐसा पॉसिबिलिटी थी? नहीं थी, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। पुरानी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी नहीं थी, नई सोसाइटी में टेक्नोलॉजी आ गई, सोसाइटी चेंज हो रही है। पहले बच्चों की शादी करवा दी जाती थी, अब नहीं करवाई जाती, सोसाइटी चेंज हो रही है। पहले विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी, अगर कोई वूमेन का हस्बैंड मर जाए तो वूमेन को साथ में जलना पड़ता था, वो दोबारा मैरिज नहीं कर सकती थी, अब कर सकती है, पति के साथ जलना नहीं पड़ता। डाइवोर्स आ गया है, सोसाइटी चेंज हो रही है। व्हाट डज इट मीन? सोसाइटी इज़ डायनामिक, सोसाइटी एक जैसी कभी नहीं रहती, सोसाइटी कभी भी एक जैसी नहीं रह सकती, सोसाइटी लगातार चेंज होती रहती है, टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से सोसाइटी लगातार चेंज होती है, वो एक जैसी नहीं रहती। दिस इज़ फंडामेंटल फीचर ऑफ सोसाइटी। तो जितने भी फीचर्स पढ़ी हमने, आई होप आपको सब समझ आई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्लीज़ आस्क मी। अगर आपको नोट्स चाहिए इन चीज़ों के, प्लीज़ आस्क मी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल असिस्ट यू। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।